हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एंड स्मार्ट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर GTS एंड्रॉइड कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपके पास फ़ोन में 2GB फ्री स्पेस ज़रूर रहनी चाहिए जिससे कि आप अपने फ़ोन पर ये गेम इंस्टॉल कर सको। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप अपने ब्राउज़र पर जाइए, यूसी ब्राउज़र पर, और वहाँ पर दोस्तों ये लिंक पेस्ट कीजिएगा जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसे आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिएगा और पेस्ट करने के बाद आप इसे सिर्फ गो पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर आइए, इसे पेस्ट कीजिएगा और इसे यहाँ पर गो पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि वह आपको यहाँ पर वेबसाइट पर लेकर जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको आकर यहाँ पर आपको APK और डाटा जो होता है उसे दोनों को आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है इससे पहले से ही। और ये दोस्तों आपको ये जो डाटा फाइल है वो भी आपको डाउनलोड कर देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1732 MB का है, यानी कि 1.7 GB होती है ये। आपको दोस्तों इतनी तो स्पेस रखनी चाहिए। और इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों आपको 2.4 GB की स्पेस ज़रूरी है, जिससे कि आपका आपके फ़ोन में ओवरऑल 4 GB स्पेस फ्री होनी चाहिए जिससे कि आप इसे इंस्टॉल कर सको। तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये दो फाइल्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख सका है। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इस फर्स्ट फाइल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर EZ फाइल एक्सप्लोरर से इसे ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये APK मिल जाएगा जिसे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है तो इसे ये न्यू कह रहा है। आप यहाँ से दोस्तों इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसे इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ करनी है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप फिर से आ जाइए यूसी ब्राउज़र पर, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी फाइल दिखेगी। इस फाइल को दोस्तों आप सिंपल अंड्रार से या फिर EZ फाइल एक्सप्लोरर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब मैं इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा था तो मुझे ये जो एंड्रॉयड और OBB जो होता है फोल्डर, उसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरा एंड्रॉयड जो है परमिशन नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कीजिएगा आप किसी और नाम से, जैसे कि न्यू फोल्डर बना दीजिए एक किसी भी नाम का। और दोस्तों इसके अंदर आप जो है वो जो zip फाइल है Andreas की, उसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा इसके अंदर। इस फाइल को दोस्तों यहाँ पर सिंपल अंडरार में जाइए। जाने के बाद आपको यहाँ पर SDE ब्राउज ऑप्शन नीचे वाला क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर बैक में जाने के बाद दोस्तों आपको एंड्रॉयड में जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको न्यू फोल्डर में जाकर यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ करनी होगी यहाँ पर, कि आप अपने SD कार्ड पर जाइए। यहाँ पर आपको दोस्तों वो फाइल जो एक्सट्रैक्ट की थी आपको वो मिलेगी, ठीक है। उसको क्या, उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, आपको इस फोल्डर को रीनेम करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रीनेम पर जाइए और इसे दोस्तों आप स्मॉल लेटर्स में OBB टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। OBB टाइप करने के बाद आप इसे ओके कर दीजिएगा। जैसे कि मेरे पास तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ऐसे ही किया था दोस्तों, मैंने भी एक न्यू फोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये दो फाइल्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए थे। ये एक फाइल एक्सट्रैक्ट की थी दोस्तों। इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसका रीनेम कर दिया जिससे कि एंड्रॉयड मुझे परमिशन दे दिया। तो दोस्तों अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप डायरेक्टली जो है OBB फोल्डर बनाइए और उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कीजिए zip फाइल को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर एंड्रॉयड आपका परमिशन नहीं देता है, तो आप क्या कीजिए, न्यू फोल्डर बनाइए, उस पर आपको उस zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसे रीनेम कर दीजिएगा, ठीक है। रीनेम करने के बाद दोस्तों आप अपने यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाइए। जैसे कि यहाँ पर आप पहले से ही इंस्टॉल कर लिया था आपने Andreas को, तो चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। चलिए मैं इसे कट करता हूँ, मैं पहले से ही इसे खेल रहा था, तो चलिए मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ इसे। अगर दोस्तों सब सक्सेसफुल रहा आपके पास तो इसका ऐसा लोगो आएगा, वरना आपको एरर देगा। अगर आपको दोस्तों
कुछ भी एरर आता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा उसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये गेम खुल चुकी है मेरे पास। और ये दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपके फ़ोन में जो है रैम अगर आपके पास 1 GB से ज़्यादा है फ़ोन में, तो आपके पास ये गेम बहुत स्मूथली चलेगी, वरना दोस्तों ये गेम आपके फ़ोन में स्टक होगी, जिससे कि आपको खेलने का पूरा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, जिससे कि आपको बहुत ऑकवर्ड फील होगा, जिससे कि यार क्या चल रही है गेम। दोस्तों अगर आपके पास 1 GB रैम से ज़्यादा हो तो आपके पास ये गेम बहुत स्मूथली रन करेगी। दोस्तों ये गेम बहुत मल्टीप्लेयर भी होती है और ये गेम जो है दोस्तों ओपन वर्ल्ड है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो इस गेम में, जैसे कि फाइटिंग हो, फायरिंग हो, या फिर फ्लाइंग हो, या फिर शिपिंग हो, बहुत चीज़ें आप इस पर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये थी हमारी वीडियो, जैसे कि आपको बताया है GTA San Andreas इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोज़ का अपडेट्स मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।